इस वक्त आप देख सकते हैं जलसा गाँव में पुलिस आ गई है और जो मकामी रहनुमा है उनसे बातचीत हो रही है। रुक जाएं क्या पीछे पीछे हो जाए, इन्हें आठ के पीछे पीछे आप बात करेंगे उनसे। कौन बता रहे हैं? हेलो जी, किधर है? मामला है कि हमें यहाँ पर NOC मिली है, ठीक है, हमारी तरफ से अफसरान को बताइए NOC हमें दी गई है, जो रिक्वायरमेंट्स आपने कही हमने सारी की सारी पूरी की, आपने CCTV कैमरे कहे वो हमने, आपने बाकी चीज़ें की कि आप वहाँ पर वो एंट्री वॉक जो गेट हैं वो लें, हमने वो भी कर लिया और तमाम चीज़ें हमारी तरफ से मुकम्मल है। तो जब तक हमारी NOC है तब तक तो आप कोई हमें कह भी नहीं सकता कि आप आपकी NOC है, हम आपको भी दिखा देते हैं और आपको दिखाना बनती भी नहीं है क्योंकि ये जो है आपके अफसरान की तरफ से ही है, DC की तरफ से हुई जा रही है। नहीं भाई, क्या कहा जा रहा है? आज फिर पुलिस आ गई है, जगह चेंज करें, दो दफा तो इस तरह हुआ है, आज मंडी से पुलिस आ गई, कहते मंडी में चले जाएं। देखिए ये मुतलका जो है वो SHO साहब आए थे और मैंने उन्हें यही कहा है कि जनाब इजाज़त हुई है हमें, हमारे पास NOC है और अगर आपके पास कैंसलेशन है पहले तो वो दिखाए ना, उसके अलावा तो आप बात ही नहीं कर सकते। ये नहीं, ये कोई राजवाड़ा थोड़ी है कि कोई आएगा और कहेगा कि चलो जी निकलो, कभी इजाज़त दी जाती है और कभी कोई एक थानेदार या सिपाही भेज दें कि आप जनाब ये जलसा गाह खाली करें, हम बैठे हैं, हमें उठा कर ले जाएंगे, अदरवाइज हमको नहीं यहाँ से जाने, हमें उठा कर ले जाएं, बिल्कुल ले जाएं, हमारे ऊपर मुकदमात बनाएं, बेशक आप जिधर मर्जी ले जाना चाहते हैं ले जाएं, हम इधर बैठे हैं और हम आवाम को भी कहते हैं कि आप अपने हक की खातर निकलें, जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर जो लोग हैं वो अपने जलसा गाह में पहुँचना शुरू करें, क्योंकि देखें दो दिन बाद जलसा है हमारा, आज रात आप बेशक आ जाएं, आप सुबह आ जाएं, आप आएं इसी तरह आप देखें कि लोगों की तादाद जो है यहाँ पर जमा होने शुरू होगी, हमने जलसा करना है हर सूरत करेंगे, आप भी नहीं रोक सकते इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सामने कहते हैं जी कि कोई गांधी है मवेशी तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, मैंने कहा जी कोई है आपके पास नोटिफिकेशन, कहते हैं आपके पास है इसकी NOC, मैंने कहा है, उसके बाद फिर अपने वो फोन पे लग गए। नहीं भाई, जिसमें नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं नहीं साइड हुई थी और फिर कल उन्होंने NOC जारी किए, लेकिन आज आके मेरे कैंसिलेशन का कहना एक मिनट, ये क्या मामला है? देखिए बात ये है कि जब NOC जारी हो गई, जब ये नहीं चाहते थे कि जहाँ जहाँ हमने दरखास्त दी कि यहाँ किया जाए, इनकी मर्जी के मुताबिक जगह का इंतखाब हुआ, तो फिर अब आपको मसला बन गया है कि इधर नहीं जी उधर चले जाएं, यानी कि हम सिर्फ इधर सारा दिन जो है वो ट्रैक्टर लेकर और अपने जो सामान लेकर साउंड सिस्टम लेकर कंटेनर लेकर घूमते ही सड़कों पर, कोई तरीका है? दो दिन हमारे पास जलसे के लिए टाइम है, परसों तो जलसा है, ठीक है, तो आप कभी कहते हैं जनाब उधर आ जाएं इधर आ जाएं, यानी कि बात करने के लिए तो आप कह सकते हैं क्या है उधर आके बात सुने, ये तो नहीं कह सकते ना कि सारे कंटेनर सामान जितना आपने लिया हुआ है वो उठाएं आप उधर आकर बात करें, उधर पहुंचे फिर उधर से कंटेनर कहें कि नहीं नहीं आप उधर आ जाएं, मतलब जो भी ये क्या है आपका होगा अगर NOC कैंसिल भी करते हैं तो किसी का बाप नहीं रोक सकता, इंशाल्लाह हम जलसा करेंगे। इस वक्त आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं कि ये जगह मुख्तस की गई थी जलसे के लिए, यहाँ पर जो मकामी लीडरशिप है वो भी यहाँ पर अपनी तैयारियाँ शुरू कर चुकी थी और इसके साथ जो मेन लीडरशिप है उनकी जानिब से भी यहाँ पर विज़िट किया गया था। ये आप सामने देख सकते हैं बड़े कंटेनर भी यहाँ पर आ गए हैं और इसके साथ साउंड सिस्टम भी यहाँ पर आ गया है और तकरीबन कैंप भी यहाँ पर लगा दिया गया है कि ताकि यहाँ पर जलसे की तैयारियाँ कर सकें। अभी यहाँ पर मकामी जो पुलिस के SHO हैं
वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जगह मुख्तस नहीं की गई थी, बल्कि इसके साथ ही यहाँ पर कोई सब्ज़ी मंडी, कोई मंडी बताई जा रही है, वो सब्ज़ी मंडी है या जानवरों की मंडी है ये नहीं पता, लेकिन वो जगह आपके लिए मुख्तस है और आपने वहाँ पर जलसा करना है। तो ये जब यहाँ पर कहा गया तो यहाँ पर जो MNA हजरात थे और इसके अलावा जो नईम हैदर पंजोता थे, जो यहाँ पर तमाम इंतजाम कर रहे थे और तमाम चीज़ों की निगरानी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप हमें कोई रिटर्न में ले के आएँ, कोई चीज़ दिखाएं, तो फिर हम उस जगह पर जाएंगे। ये आप देख लें, गुज़िश्ता रोज़ ही NOC दी गई और अभी से फिर बदनीयती जो मकामी इंतज़ामिया हैं उनकी और हुकूमत की वो सामने आ रही है। अब लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 8 सितंबर को भी जलसा नहीं करने दिया जाएगा, जिस तरह की ये सूरत हाल पैदा हो रही है, माहौल बनाया जा रहा है। अगर मैं आपको अभी इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्ते बताऊं, तो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर रखे हुए हैं। इसके अलावा जो रेड जोन है उसके तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्ते बंद किए हुए हैं और यहाँ से तकरीबन रेड जोन डी चौक 30 से 35 किलोमीटर दूर आई है और बिल्कुल इस्लामाबाद के आखिरी कोने पर यह जलसा हो रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, लेकिन इससे भी हुकूमत बुकलाहट का शिकार है। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं, तकरीबन यहाँ पर तैयारियाँ शुरू कर दी गई थी और कल तक यहाँ पर सब चीज़ें फ़ाइनल कर लेनी थी, लेकिन अब यह पुलिस की जानिब से कहा गया है और अब यहाँ से जो तमाम चीज़ें हैं वो लेकर यहाँ पर सब जो मंडी है वो सब्ज़ी मंडी है या जानवरों की मंडी है ये नहीं बताया गया, वहाँ पर अब ये जलसा होगा। लेकिन NOC मनसूख नहीं किया, लेकिन ये सिर्फ जगह जो मुख्तस की गई थी उस जगह को तब्दील किया जा रहा है। ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, ग्राउंड से ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। पाक TV 24 की स्क्रीन पर आप लम्हा ब लम्हा जलसे के हवाले से अपडेट जो होगी वो आपको देते रहेंगे और ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं। मीडिया भी यहाँ पर बड़ी तादाद में आया हुआ था और अभी ये कुछ खबरें चल रही हैं कि जलसा मंसूख कर दिया, लेकिन जलसा मंसूख नहीं किया बल्कि जगह तब्दील कर दी गई है और लग यही रहा है कि ये जलसा की जो NOC है ये भी मंसूख कर देंगे। इसके बाद PTI के लिए बड़ा ही इम्तिहान है, एक तरफ तो इमरान खान ने काल दी हुई है और दूसरी जानेब जो वर्कर हैं वो भी फुल चार्ज हैं और लीडरशिप जो इस वक्त ग्राउंड पर है, सेनेटर हैं, MNA हैं, MP हजरात हैं, KPK की जो मकामी KPK की जो क़यादत है, अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत में जो क़यादत है, वो उसके लिए बड़ा इम्तिहान है कि वो ये जलसा कर पाते हैं या नहीं। और साथ ही कानून जो पास हुआ है कि अगर आप NOC के बगैर जलसा करेंगे तो 3 साल की सज़ा, अगर ये कोशिश दोबारा की गई तो फिर आपको 10 साल सज़ा होगी। इस्लामाबाद की हदूद तक के लिए ये कौमी असम्बली और सेनेट से ये कानून भी पास किया जा चुका है। इसके हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया।